लोग सेवन नंबर से देखते हैं, दिया हुआ है 2x प्लस का 15y इक्वल टू मेरा 17xy, ये xy को उधर डिवाइड में देते हैं, 2x बटा में एक्स वाई और प्लस का 15y बटा में एक्स वाई और बराबर में 17। यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, तो 2 बटा वाई है और यहाँ पे 15 बटा एक्स है और बराबर में है 17। समीकरण एक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, 5 इंटू में एक्स प्लस वाई बराबर में 36xy, तो इसको ले जाते हैं इधर और इधर हो जाएगा आपका क्या, 5x प्लस का 5y और ये आ जाएगा भागा में एक्स वाई और बराबर में 36, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 5x बटा में 5x बटा में एक्स वाई और प्लस का 5y बटा में एक्स वाई इक्वल टू में 36, वाई से वाई यहाँ कैंसिल और एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल, तो हो जाएगा 5 बटा वाई और प्लस का 5 बटा एक्स इक्वल टू में 36। ये समीकरण दो हो गया, तो समीकरण एक में एक से समीकरण दो में 3 से गुणा कर देता ताकि यहाँ 15 आ जाएगा, 15x हो जाएगा, 15x हो जाएगा। चल लिखते हैं इसके बाद, समीकरण एक तथा समीकरण दो से डायरेक्ट ही मैंने बना दिया इसको, है ना जी, 2 बट्टा वाई माइनस का 15 बट्टा में एक्स और इक्वल टू में 17। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पानती है 15 बट्टा में वाई और प्लस का 15 बट्टा में एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, 108 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए साइन चेंज, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में वाई माइनस का 15 बट्टा वाई इक्वल टू में माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक और यहाँ बच गया आपका 10 में से एक या 9, माइनस का 91 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 13 बट्टा में वाई इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 91, माइनस माइनस कैंसिल, 91 वाई इक्वल टू में 13 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर कितना, y इक्वल टू में आ जाएगा 13 बट्टा में 91, 13 से 91 y का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 बट्टा में 7 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मान आ गया तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं ना जी। चलिए तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण एक में दो में जिसमें चाहे उसमें रख देते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसका y का मान ना जो समीकरण इजी आपको लिख रहा है समीकरण दो रखने, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। तो आप देखिए क्या था जी, समीकरण दो देख लीजिए, ऊपर 5 बट्टा में y 5 बट्टा में x इक्वल टू 36, 5 बट्टा में y प्लस 5 बट्टा में x इक्वल टू में 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये ऊपर चल जाएगा, 35 प्लस का 5 बट्टा एक्स बराबर में 36, ये जाके घट जाएगा तो 5 बट्टा में एक्स बराबर में हो जाएगा आपका 1, है ना जी, 1 ही ना आएगा जी, तो यहाँ आ जाएगा अब प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बराबर में 5, है ना जी। जैसे लिख सकते हैं एक्स बराबर 5 आ गया, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए एक्स बराबर में 5 और वाई बराबर में आ गया है यहाँ पर 1 बट्टा में 7, ये आपका आंसर। चलिए अब इसका हम लोग